सभी को मेरा प्रणाम। मैं ललित पंत, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत 1:45 बजे से भी, अभी मैं आज लेट ही शुरू करा अपने ब्लॉग को। तो मैं अपनी शॉप में बैठाऊंगी, तो देखिए, तो बने मेरे चैनल में। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ललित पंत फिर मिलता हूँ, आप बने रहिए। तो आज के मौसम के हाल ये हैं कि कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया, क्या पता बारिश भी आ सकती है। सावन का महीने में यही, क्या पता हो भी सकती है बारिश। अभी दिखाता हूँ आप सभी लोग को मौसम के हाल। तो देखिए, इधर हवाएँ चल रही हैं, तो कहीं बारिश हो रही है ना, तो इस समय का कुछ पता नहीं रहता है कि रात को शाम को आ सकती है बारिश। तो मैं आप सभी लोग को दिखा रहा हूँ घुंगली आर्ट का व्यू, शानदार है। तो ये आप देखिए मौसम के हाल इस साइड के, थोड़ा करके तरफ को धोप आई है अभी। तो ये देखिए, मैं दोपहर के मौसम का हाल आप सभी लोग को दिखा रहा हूँ। देख सकते धूप आ चुकी है, आप आगे तक धूप नहीं थी, थोड़ा थोड़ा कोहरा टाइप का लग रहा था, अंधेरा टाइप का हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मौसम ख़राब था, बारिश होने वाली थी तो रुक गई, और बारिश आज फिर से बारिश रुक गई आज। तो देखिए अभी शाम मौसम, फिर क्या पता शाम को मजीद चौमास के दिन, क्या पता कुछ भी खा सकता है। मैंने बढ़ा दी आप दुकान, तो देख सकते हैं यह दुकान किधर है, यहाँ पर है मेरी दुकान। तो आप जा रहे हो सीधे घर की तरफ को, तो रास्ते रास्ते तो ऊपर से नीचे की तरफ को ये देख सकते हैं रास्ता, तो ये हो जाता है यानी कि पाली से पोखरी की ओर आता है रास्ता, यानी कि अभी मैं पोखरी जा रहा हूँ पाली की ओर। तो देख सकते हैं ये रास्ता पूरा इतने बड़े झील हो चुके हैं। पहले इन पर जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने बड़ी मेहनत से खेत बनाए थे, देख सकते हैं अभी कुछ करने वाले सारे लोग का प्लान हो चुका है, बाहर को चले गए हैं, तो ऐसे रह गए हैं। ये झील देख सकते हैं, तो करने वाला आजकल लगभग कोई नहीं है उनका, कुछ तो नहीं करते हैं बाहर वाले, कोई माया नहीं रही यहाँ की। देख सकते हैं तो इन रास्तों से ही हम लोग पहले स्कूल तक जाते थे, भीड़ लगी रहती थी इन रास्तों में सुबह शाम रात, जब अब ऐसा होता है तो ऐसे ऐसे ज़्यादा बढ़ता है, पूरी की पूरी झाड़ियाँ आ चुकी हैं। देख सकते हैं ये रास्ता बहुत साल पहले बना, यानी कि आज से 25 साल हो गए इस रास्ते को भी, तो ये 25 साल पहले बनाया रास्ता। देख सकते हैं अभी तक बिल्कुल सेफ है रास्ता, तो देख सकते हैं उस समय बनाया गया है सबसे बढ़िया रास्ता। तो देखिए अभी तक तो बनाए, तो आजकल के रास्ते हैं कि आज बने तो एक दिन बाद उनका हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि एक बारिश में ही वो धुल जाते हैं। ये रास्ता देखिए कितनी बारिश आ चुकी है, कितनी कुछ कितनी आपदाएं कुछ, तो अभी भी ठीक है रास्ता, देख सकते हैं आप का हाल ये देख सकते हैं। तो ये देखिए मुझे ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले इतना अच्छा रास्ता था, देखिए इतना अच्छा सीमेंट अच्छा रास्ता पता चले थे हम जब चलते थे इन रास्तों में, आप देख सकते हैं ये। उसके बाद किसने हिम्मत नहीं जुटाई इसे बनाने की, तो ये हमारी सीमा शुरू हो जाती है नीचे पाली की, यहाँ से तो कोई बनाता नहीं है इस रास्ते को, देख सकते हैं पहले के समय में बना था ये रास्ता, पहले के समय में बना था, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा ही है, ऐसे ढल में आना पड़ता है बच्चों को भी, स्कूल वाला रास्ता है ये देख सकते हैं। तो ऐसे रास्ते संसाधन थे, तो उसी रास्ते से होते हुए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए चलने में कोई दिक्कत नहीं रास्तों में, जा रहा हूँ झाड़ियाँ, बड़ी बड़ी सी झाड़ियाँ, पहले से झाड़ियों को अभी अंदाजा नहीं आता था इसमें, झाड़ियाँ दिखाई कम दे दी थी, देख सकते हैं
ये देखिए, तो बच्चे जाते हैं, अच्छा जाते हैं, तो देखिए तो इसमें खतरा बना हुआ रहता है चलने में भी, इन रस्तों में तो कोई तो आते हैं गाड़ी में, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं नहीं, तो मैं तो पैदल ही आना पड़ता है ना, तो पैदल चलना भी इसे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। बंदर आ चुके हैं शायद, लग रहा है मेरे को बंदर या लंगूर उनके, और क्या होते हैं इस साइड को, बढ़िया लगता है। मच्छर भी मच्छर हो रहे हैं, शीतल काम अगर क्यों वो ढलान वाला रास्ता, तो आ चुका है ढलान वाला रास्ता सीधे, इन्हीं रास्तों में से दौड़ दौड़ के आते थे पता नहीं। तो पहाड़ में ऐसा है कि कुछ चीज़ें तो संसाधन भी फिर तो गाड़ियाँ आने की वजह से आलसपन आ जाता है, अब गाड़ी में चलने की आदत होगी तो जिसको तो आलस उसको चलने में दिक्कत होती है। तो देखिए तो आज का मौसम, आज भी गर्म खूब था, तो बीच बीच में ख़राब भी हो रहा था मौसम, तो ये है हाँ। तो अब मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि मुझे ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा यहाँ जी, क्योंकि ऐसे होते हैं ना संसाधन अगर हो गए तो इसके बाद ऐसा ही होता है। यहाँ पर नीचे रोड आ गई जस्ट, यहाँ पर पहुँचाऊँ मैं, तो मैंने आप सब लोगों को देखा ही आपने रास्ता, तो अभी भी कितनी मजबूती से चल रहा है वो रास्ता, यानी कि 25 साल हो चुके हैं उस रास्ते को, यानी कि अभी भी बड़ी मजबूती से चल रहा है वो रास्ता। तो रोड कटने की वजह से नीचे थोड़ा रास्ता ख़राब हो गया था, तो अभी बना नहीं है, बहुत समय हो गया नहीं बना वो रास्ता अभी तक। तो ऊपर का आपने रास्ता दिखा हुआ कितना अच्छा था वो रास्ता, पहले बन गया था वो, 25 साल हो गए रास्ते को बने हुए, बहुत साल हो गए। अभी मैं थोड़ा ताऊजी लोग के वहाँ जाता हूँ, उनसे मुलाकात करके आता हूँ, तो आप बने रहे मेरे चैनल में, फिर मिलता हूँ आपसे से। तो अभी शाम का समय, थोड़ा आज भी थोड़ा ताऊजी लोग के वहाँ गया था, थोड़ा लेट ही हो गया था शाम के समय में, अभी थोड़ा खाने की तैयारी हुई है, शाम का खाना अभी खाएंगे। तो आज दिन में ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि गर्म भी हो गया था, तो ऐसा ही थोड़े काम में लग गया था अपनी शॉप पर ही, तभी अभी फिलहाल घर में, तो मम्मी का बन चुका होगा खाना ना खाऊंगा भी। तो आज गर्म भी खूब हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था, तो दिन भर गर्मी, आज धूप ही लगी थी तेज, बीच बीच में एकदम कोहरा जैसा भी लग रहा था, यानी कि कोहरा जैसा भी आता था बीच बीच में, तो मौसम का भी यही हाल है। आज बाहर थोड़ा ठंड लगी हुई है, तो बाहर हो गया ठंड, तो नींद भी आ रही है आज, खाना खा लिया था, खाना खाता हूँ, फिर आप दिनों से फिर मिलता हूँ, आप बने रहते तो मेरी चैनल। तो अभी शाम को तो मैं खा रहा हूँ अभी खाना, यानी कि रोटी और सब्ज़ी, आज भी शायद मेरी पत्तों की सब्ज़ी है, कल भी हुई थी, तो आज भी उसे खाते हैं शाम का समय। तो एक गिलास भट्टा देख सकते हैं आप सभी लोग, आप सभी लोग को दिखा रहा हूँ अभी, एक गिलास भट्टे के साथ शानदार देख सकते हैं, तो पहाड़ में तो ये आनंद है, तो मट्ठा है वो, तो मट्ठा नहीं मिला था, तो मट्ठा भी है, तो भट्टे के साथ एक गिलास सब्जी देख सकते हैं। तो देखिए सब्जी रोटी के साथ शानदार मट्ठा, पहाड़ों का ही तो आ गए, मट्ठे के साथ मिल जाता है खाना खाने को, फर्स्ट क्लास, यही तो आनंद है पहाड़ी का ही मट्ठा। तो बाहर को जो लोग भी जो भी सभी रहते हैं, तो पैकेट वाले मट्ठा भी थे, देख सकते हैं शानदार मट्ठा पहाड़ों, देखिए अभी। तो मैंने खा लिया अभी खाना, तो अभी आ चुकी है बाहर बारिश, मैं आप सभी लोग से भी कह रहा था कि गर्म भी आज बहुत हो रहा था,
तो इस वजह से आज देख रहा हूँ कि अब ये छाता लेकर तो बाहर की तरफ जा रहा हूँ तो बारिश आ गई है शाम को, और तो ऐसा ही होता है ना कभी ना। सावन का महीना हुआ है इसमें कुछ हो जाता है, आज दिन में भी थोड़ा हो रहा जैसा भी आ रहा था, गर्म भी खूब हो रहा था आज, कल भी गर्मी था आज भी गर्मी है, तो अभी देख सकते हैं आप बारिश आ गई है खूब ज़ोरदार बारिश हो रहा तो तेज। तो अभी पहाड़ों में ही थोड़ी बहुत है लोगों के पास गाय का है, तो कईयों के पास वो नहीं है, तो पहाड़ में भी आ गया है फसल का, तो मट्ठा भी दही भी और दूध भी पैकेट वाला ही चलने लग गया है धीरे धीरे पहाड़ों में भी, ऐसा ही लग गया मेरे को। तो अभी रात अचानक से आई बारिश रात को, तो थोड़ी कम होती है, तो सब लोगों को दिखा रहा हूँ अभी नज़ारा पहाड़ का नज़ारा। तो तेज़ आ चुकी है अभी बारिश, बारिश आई है तो बाहर, तो बारिश बारिश पर देख सकते हैं आप ये, तो ऐसे मौसम में ही होता है कि देख सकते हैं अंधेरा हो रखा है, तो मैंने ऑर्डर किया अच्छा था, तो देखिए बता रखिए तेज़ बारिश शाम का समय। एक पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि एक तौड़ जैसा आया, तो वही देखा मैंने, ये देखते हैं सूरज जी के बोल शाम को ढल जाते हैं, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं सूरज जी का फुल शानदार सूरज जी का बोल, देखिए शाम के समय कितना लाइटिंग दे रहा है, देख सकते हैं आप कभी नीचे को डाउन होगा ये रात के ऐसा ही होता है बोल, देखिए एक फूल ले रहा, इसका पेड़ भी हमारे पास तो यहाँ, तो और बारिश आ रही है तो सबका पानी भी टपक रहा है ना, इसी पर अंदाजा हो रहा है कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बड़ा तेज बारिश होती है अगले, देखिए तो आज तेज़ बारिश और तेज़ बारिश आ चुकी है, और अभी थोड़ी कम हो रही थी और तेज़ आ गई बारिश। तो मैंने आपको दिखाया अभी तो बारिश आई थी यहाँ तेज़ बारिश अचानक से, तो सावन के महीना में ऐसा ही महीने में ऐसा ही होता है कि अचानक से आ गई तेज़ बारिश, तो और बारिश चली रही है थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होती है तो थोड़ा ठंडक भी हो जाती, तो पता नहीं इस महीने में ऐसा ही होता है, सावन का महीना है तो सावन के महीने में ऐसा ही होता है, बारिश में ऐसा ही होता है सावन के महीने में, तो देख सकते हैं देखिए तो बारिश तो आ जाती है तो पहाड़ में, तो रास्तों के हाल बेहाल हो जाते हैं यहाँ पर, एक बात तो है, तो मैंने आपको ये रास्ता दिखाया था तो कम से कम उसको 25 साल हो गए हैं, यानी कि 24-25 साल हो गए इस रास्ते को, तो अभी भी वैसा ही है वो जो कहती है जब उस समय बनाया था तो तब से वैसा ही खराब है, अभी कभी कुछ वैसे ज़्यादा खराबी नहीं हुई रास्ते में, तो उस समय बना हुआ रास्ता था वो, पर आजकल के रास्ते इतने टिक नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों मुझे ये समझ में नहीं आता है, तो बरसात आती है तो रस्तों की हालत भी ख़राब हो जाती है, तो अभी ये बरसात हुई है तो रस्तों में पूरा पानी हुआ है, पूरा पानी रस्तों में, पूरा पानी आ चुका है ना रस्तों में आ जाता है बरसात का पूरा पानी, तो इसी वजह से सीमेंट को ख़राब कर देता है, सीमेंट वाले रस्ते भी ख़राब हो जाते हैं, ये तो है। और बारिश तेज होने लगी है तो पहाड़ों में, और तो कभी कम होती है कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों, तो ऐसा ही है बारिश का हाल, तो रात की बारिश है ये, तो मैं अभी सीढ़ी पर ही बैठा हूँ, तो अब सोने की तैयारी कर सो जाता हूँ। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा मेरे इस ब्लॉग को, तो मैं आपके लोग से आगे बढ़ना चाहूँगा, तो इस ब्लॉग के माध्यम से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, अधिक से लोगों तक जरूर पहुँचाएगा मेरे ब्लॉग को, क्योंकि अब जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो मोनेटाइज भी हुआ नहीं है, तो अब तक तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक बहुत जरूर कीजिए मेरी इस वीडियो को, तो मैं आपसे बताता हूँ सुन की तैयारी, तो मैं नेक्स्ट मंथ फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा प्रणाम, शुभ रात्रि, तो आप सब बने रहे मेरे चैनल।